अवसर दे दिया। सुनीता, इसको काम समझा दो। मालिक ने कहा है कि ये आज से तुम लोगों के साथ ही काम करेगी। हीलियो, सुई धागा, एक एक करके बोरा सिलती जाओ। बच गए, इसका क्या करना है? अरे इसको बोरी में डाल दो ना। अरे ये तो वीडियो कृष्णा राज का फोटो है ना। साला चला गया। आते ही नाटक चालू। भैया जी, नल कहाँ है? अरे उधर है नल, उधर। ठीक से मिला रहे हो ना? एकदम असली लगने चाहिए। सब ठीक है ना? मालिक, इस बार रंग का क्वालिटी अच्छा नहीं है, बहुत केमिकल है, मिलावट में पता लग जाएगा मालिक। अबे ज्यादा होशियारी मत छाटो, इतना कहा जाए उतना ही करो। ये मिलावटी मसाला डाल्टनगंज के आसपास के गांव में भेज देंगे, समझे? कुछ नहीं होगा वहां के लोग को। ठीक है मालिक। रुको, कृष्णा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी वो पानी पीने आए थे। यहाँ चलो, बाहर जाओ। पहलवान, सुनीता, वो तुम नई काम वाली औरत को उधर क्या भेज दी? तुम्हारी गलती का सजा ये है कि तुम दोनों जन एक एक बोरा उठाकर मंडी में ले जाकर महतो की यहां देकर आओ। चलो बोरा उठाओ।
जरा संभल कर ही रहो, आज पहला ही दिन और मालिक को नाराज कर दे, ऐसे तो तुम्हारा यहाँ नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम ध्यान रखेंगे। चूड़ी का दुकान तो इधर वहाँ है, वहाँ तक गाड़ी नहीं जाएगा ना, इसीलिए पैदल ही जाना पड़ेगा। आओ। लड़की कृष्णा ही थी ना दुलिन? पता नहीं माँ, जरा जाकर देखो। जा जा। ठीक है। कृष्णा, सुनो। अरे सुनो, तुम यहाँ और तुम्हारे सर पे ये बोरा काहे? कृष्णा दीदी, अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हम घर आके आपको सब कुछ बता देंगे। अरे लेकिन कृष्णा, माँ हमसे पूछेगी तो हम कहाँ जवाब देंगे? दीदी आप बस हमारा अभी मदद कर दीजिए, पिंकी और माँ जी को लेकर यहाँ से चले जाइए। नहीं कृष्णा, हम चलते हैं, बाद में बात करते हैं। अरे नहीं रुको, सुनो। ये लोग तुम्हें कृष्णा कृष्णा काहे बोल रहे हैं और तुम इनसे बचने की कोशिश काहे कर रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो अब जल्दी चलो। तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, सच सच बताओ क्या बात है? अरे कुछ बात बात नहीं है, वो हमारी पुरानी मालकिन है, दो दिन से काम पर नहीं गए ना तो हमको हड़का रही थी। ये सब मालकिन लोग भी सब एक जैसा होता है। सही सही बताओ क्या बात है, वरना हम ये सब बात मंडल बाबू से कह देंगे, फिर उन्हीं को जवाब देना तुम। ज्यादा चुपड़ चुपड़ किया ना तो तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगा, अपना काम से काम रख, समझे? का वो लड़की कृष्णा ही थी ना? वो लड़की कृष्णा ही थी ना? नहीं माँ, वो कृष्णा नहीं, कोई दूसरी औरत थी। नहीं नहीं, वो कृष्णा ही लग रही थी। हम कृष्णा को पहचानने में कोई गलती करेंगे का? हम उसे बचपन से जानते हैं। अब तुम उस लड़की का तरफदारी करोगी? वो हमको ना कोई जरूरी काम आ गया तो
आप बबलू सर को कह दीजिएगा कि हम कल आएंगे। ठीक है। घर चलो। सुनीता, डरने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सरकारी कर्मचारी। पीडीओ कृष्णराज का नाम तो सुना ही होगा, ये वही है। पूरा भरोसा है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे और समाज से गंदगी को साफ करने में हमारा मदद करोगे। पीडीओ मैडम जी, हम ये सब किसी को नहीं बताएंगे। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब चले। हमसे कब पूछते हैं? पूछे अपने लाडला बेटा से, जो हमेशा अपना पत्नी को या माथा पे रखता है। भाभी की तरफ काहे देख रहे हो? हमारी तरफ देखो, हम बताते हैं कि क्या बात है। बात ये है कि आज आपकी जो अफसर बहू है ना, आज पूरे बीच बाजार में बोरा उठाकर मजदूरों की तरह मजदूरी कर रही थी। छोटी दुल्हन मजूरी कर रही थी। मां, कृष्णा को ना जान छोड़। अब बस करो पिंटू। बार बार अपनी पत्नी का तरफदारी करना छोड़ दो। अरे गंगा देवी, शांत हो जाइए। छोटी दुल्हन जो कुछ कर रही है उसमें किसी ना किसी का भला ही होगा ना। घर की इज्जत और मान मर्यादा को भूलकर लोगों का भलाई सोचना, ये कौन सा भला तरीका है? हाँ, अरे बात ये नहीं है, बात ये है कि उसको अपना अफसर होने का तो बहुत घमंड है। जब देखो हमेशा अपना मनमानी करने का आदत हो गया है उसको। बाप रे बाप, बस कीजिए ना गंगा देवी। जब छोटी दुल्हन घर आएगी तो खुदा ही उससे पूछ लीजिएगा। अच्छा, आपकी बहू जो है ना, वो तो आपकी इज्जत पानी में मिला रही है। और आप पानी और दूध को अलग करने का बात कर रहे हैं। धन्य है, सोचते रहिए आप ही। गंगा देवी, अरे बात। पिंटू जी, हम मानते हैं कि माँ ने आज बहुत कुछ कहा, पर वो सब गलत नहीं है पिंटू जी। और हम ये भी नहीं कह रहे कि जो कृष्णा ने किया वो गलत है। अगर पिंटू जी, कृष्णा को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अफसर होने के साथ साथ इस घर की बहू भी है। मालिक, सोडा और मंगाना पड़ेगा, नहीं तो दूध फट जाएगा। अरे तो मंगा लियो ना, ए दो चार बोरी सोडा लिया चल। बहुत केमिकल है, मिलावट में पता लग जाएगा मालिक। ये मिलावटी मसाला डाल्टनगंज के आसपास के गांव में भेज देंगे, कुछ नहीं होगा वहां के लोग को।
सर, इन मिलावट खोरों को जेल का काला कोठरी के अंदर होना चाहिए। ये लोग जनता का स्वास्थ्य और उनका विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे कार्यवाही की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। आप एक टीम बनाइए और इस ऑपरेशन में जुट जाइए, लेकिन एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। आप लोगों ने पूरे ऑपरेशन को बहुत अच्छे से अंजाम दिया है। कृष्णा, तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे विभाग का सर ऊंचा कर दिया है, जिससे बेईमान लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे। सर, हम लोग तो सिर्फ ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभाने का कोशिश कर रहे हैं। चंचल अभी तक नहीं आई अपनी ट्यूशन से? वो तो 5 बजे लौटती है। अब मनीषा सब्जी लेने बाजार गई है। तो चलिए एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए। ये क्या बात हुआ, इन दिनों आप ज्यादा चाय पीने लगे? वो का है वैसे सरस्वती राज, आजकल जिंदगी में बड़ी खटास है, तो आपकी चाय की मिठास से वो खटास दूर हो जाएगी। अरे तो सीधा सीधा कहिए ना, एक कप चाय पीकर ही मानेंगे। आप बैठिए, हम लाते हैं। हम गंगा बोल रहे हैं। प्रणाम भाभी जी। कैसा संस्कार दिए आपने अपना बेटी को? उसको इतना तो बताना चाहिए था कि अगर उस ससुराल का मर्यादा बढ़ा नहीं सकती तो कम से कम उसको घटाना भी तो नहीं चाहिए। ऐसा क्या कर दिया कृष्णा ने भाभी जी? अब क्या करना रह गया बाकी उसको? वो अफसरी घमंड में भूल गई है कि उसका शादी हुआ है, वो इस घर की बहू है। अरे उस दिन काला कपड़ा पहनकर घूम रही थी और आज बीच बाजार में सबके सामने मजदूरों की तरह बोरा उठाकर मजूरी कर रही थी। ये सब कहाँ है? हाँ, अपनी अफसर बिटिया को समझा दीजिए। इस घर में ये सब नहीं चलने वाला, और अगर उसको समझ में नहीं आता ना तो आप उसे अपने घर ले जाइए। अपनी अफसर बिटिया को समझा दीजिए। इस घर में ये सब नहीं चलने वाला, और अगर उसको समझ में नहीं आता ना तो आप उसे अपने घर ले जाइए। हम आप लोग का माध्यम से सभी गलत काम करने वालों को सावधान करना चाहते हैं कि आप लोग अपना गलत काम तुरंत बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैडम, इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करते हुए आपको डर नहीं लगा? देखिए, डरने का जरूरत उन लोगों को है जो गलत काम कर रहे हैं, और वो जो भी है कानून का हाथ से बच नहीं सकते। मैडम, आपको लगता है इस तरह से हम हमारे समाज में बदलाव ला सकेंगे? बिल्कुल, हम इस मामले में बहुत आशावादी। आप खुद को देखिए, आप जैसे युवा पत्रकार आज समाज का पहरेदारी कर रहे हैं, और आप लोग का तेज नजर से कोई नहीं बच सकता। वैसे भी
कोई भी इंसान अकेले समाज को नहीं बदल सकता, उसके लिए सबको आगे आना होगा। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग का कलम में बहुत शक्ति है। आपका दिया हुआ एक एक खबर समाज पर प्रभाव डालता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारा ही बात से सहमत हों। हम आप लोग का माध्यम से सब गलत काम करने वालों को सावधान करना चाहते हैं कि आप लोग अपना गलत काम तुरंत बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। I'm